हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एमएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं सिंक्रोनस मोटर के कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर चलती है ऑप्शन तुल्यकालिक गति पर, तुल्यकालिक गति से कम गति पर, तुल्यकालिक गति पर, तुल्यकालिक गति से अधिक गति पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा सिंक्रोनस जो मोटर होती है वो तुल्यकालिक गति पर चलती है। अगला क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर की बनावट टोटोट के समान होती है, किसके समान होती है? डीसी कंपाउंड मोटर के, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के, तो डीसी शंट मोटर के, तो अल्टरनेटर के, तो जो है तो जो सिंक्रोनस मोटर की बनावट जो है अल्टरनेटर के समान होती है, किसके? अल्टरनेटर के समान होती है। अगला क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर चलती है एसी थ्री फेज सप्लाई पर, एसी थ्री फेज डीसी मतलब दोनों चाहिए, तो ये क्वेश्चन ये सही है। तो इसके साथ थ्री फेज एसी सप्लाई चाहिए, इसके साथ साथ रोटर पर डीसी सप्लाई भी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंक्रोनस मोटर सदैव चलती है, तो सिंक्रोनस मोटर सदैव चलती है इकाई शक्ति गुणांक पर, पश्चगामी शक्ति गुणांक पर, अग्रगामी शक्ति गुणांक पर, कोई भी शक्ति गुणांक में। यह है अग्रगामी शक्ति गुणांक पर भी चल सकती है, पश्चगामी शक्ति गुणांक पर भी चल सकती है, और इकाई शक्ति गुणांक पर भी चल सकती है। तो इसलिए इसका ग ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंक्रोनस मोटर को थ्री फेज सप्लाई रोटर वाइंडिंग शॉर्टकट के साथ सर्किट के साथ स्विच ऑन किया जाता है, तो यह स्टार्ट होगी, स्टार्ट नहीं होगी, या फिर स्टार्ट होगी और इंडक्शन मोटर की तरह चलेगी, या फिर स्टार्ट होगी और सिंक्रोनस मोटर की तरह चलेगी। तो इसका ऑप्शन ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घूमने वाले फ्लक्स के कारण स्टेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम डॉट डॉट पर निर्भर करता है, मोटर की गति पर, डीसी उत्तेजक धारा पर, और मोटर की लोड पर और गति पर, मोटर मतलब गति और रोटर फ्लक्स पर। तो इसका आंसर सही है, खा ऑप्शन सही है, जो कि डीसी उत्तेजक धारा पर चलती है। अगला क्वेश्चन, शून्य लोड रनिंग अवस्था में प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई के बीच का कोण क्या होगा? तो इसका होगा 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन, लोड पर रनिंग अवस्था में प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच का कोण होगा क्या होगा? 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 से और 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो इसका ऑप्शन जो सही है 180 डिग्री से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंक्रोनस मोटर की कुल स्टेटर वोल्टेज होती है क्या होती है? ईवी और बी का सदिश अंतर, या फिर ईवी और बी का सदिश योग, या फिर ईवी और बी का बीजगणितीय अंतर, या ईवी और बी का बीजगणितीय योग। तो इसका आंसर है सही है, का ऑप्शन सही है, ईवी और बी का सदिश अंतर होता है। सदिश अंतर मतलब ईवी वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
होता है। अगला क्वेश्चन, रोटर पोल और स्टेटर के बीच का कोण डॉट कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सी, पहला ऑप्शन शक्ति गुणांक कोण, तुल्यकालन कोण, टार्क कोण और त्वरण कोण। तो इसका ऑप्शन सही है गा, टार्क कोण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंक्रोनस मोटर का फील्ड अब उत्तेजित हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा, इकाई से अधिक, इकाई या पश्चगामी या अग्रगामी। तो इसका होगा पश्चगामी होगा। क्या होगा? पश्चगामी होगा। क्वेश्चन, यदि थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर को मोटर का एक फेज शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मोटर स्टार्ट होगी, स्टार्ट नहीं होगी, गर्म हो जाएगी, रुकने पर असफल होगी। तो इसका ऑप्शन सही है खा, ऑप्शन सही है स्टार्ट होगी, स्टार्ट नहीं होगी, सॉरी। अगला क्वेश्चन, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अपेक्षा सिंक्रोनस मोटर का लाभ यह है कि सिंक्रोनस यह कि ऑप्शन शक्ति गुणांक परिवर्तित किया जा सकता है, गति आसानी से परिवर्तित की जा सकती है, यदि सप्लाई आवृत्ति से स्वतंत्र होती है, रोटर के दो स्लिप रिंग होते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, शक्ति गुणांक परिवर्तित किया जा सकता है, किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर का